अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जे के एंस में, मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्मा यूसुफ। नाज़रीन, आज हम शहर श्रीनगर के नेहरू पार्क के पास मौजूद है, जहाँ पे ताजरों ने हड़ताल के साथ साथ एहतजाज किया है। जानते हैं इनके मुतालबात क्या है इनसे? इसलिए है, ये दुकानें यहाँ पर तकरीबन 50 साल से ये दुकानें यहाँ पर ऑपरेट चल रहा है। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमें यहाँ पर किसी को रोकने नहीं देते हैं, लेकिन रोकना तो इस बात की है कि अगर उनको पानी की बोतल ज़रूरत है, अगर उनको कोई चीज़ खमान करना है, पिकअप ड्रॉप करने के लिए नहीं देते उनको, सिर्फ सीटियाँ बजाते हैं, आप चले जाओ चले जाओ चले जाओ। कोई बुज़ुर्ग होगा, कोई बीमार होगा, कोई कुछ भी होगा, किसी को रोकने नहीं देते यहाँ पर। यहाँ पर था पार्किंग, आज 40 साल से पहले यहाँ से पार्किंग था, 40 साल से उनको हटा दिया। हमें कोई एतराज़ नहीं है पार्किंग हटाने में, अगर उनका दिक्कत आते है रोड वाइडिंग में या रोड ट्रैफिक जाम के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कम से कम हम दुकानदार यहाँ पर कुछ चीज़ें बेचने के लिए आए हैं, यहाँ पर तो होना चाहिए ना, अगर किसी को उतरना है कम से कम 5 मिनट 10 मिनट उसको रोकना देना चाहिए, क्योंकि हमारा बिज़नेस कैसे चलेगा। नहीं तो हमें अपनी दुकानों का सारा पैसा जो ये गवर्नमेंट ले लेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम कहीं पर जाएंगे और अपना रोज़गार ढूंढेंगे। इस वक्त टूरिस्टों का आना जाना है, और क्या लगता है उनको भी प्रॉब्लम होगी? उनको भी प्रॉब्लम होता है, जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो होते हैं कि हमें कुछ खाना खाना है या काफ़ी पीना है या कुछ भी, जो भी कुछ, गाड़ियों को भी रुकने नहीं देते, किसी की गाड़ी को भी नहीं रुकने देते, इवन 5 मिनट्स के लिए नहीं रुकने देते हैं। स्टेशन पर यही रिक्वेस्ट है, हमारे लिए कम से कम इंसाफ करो, हमारा भी रोजी रोटी इन दुकानों के ऊपर, हमारा भी पीछे हमारी फैमिलीज है, उनका भी ख्याल रखो, हमारा बिजनेस कैसे चलेंगे। हमें समझ में नहीं आता है कि जब हमारे पास ग्राहक नहीं ठहरेंगे, ग्राहक उठाएंगे नहीं, हम कैसे, हमारा बिजनेस कैसे चलेंगे। थैंक यू। आप कहाँ से आए हैं? हम कलकत्ते से आए हैं। कब आए हो कश्मीर? हाँ, मंडे को आए हैं। तो कैसा लगा आपको कश्मीर आके? अगर दुकानें बंद होगी तो हमें तो बहुत सामान लेना है, तो दिक्कत आ जाएगी, जैसे कि हमें लोकल हैंडीक्राफ्ट लेना है, कारपेट लेना है, जो कि यहाँ के मशहूर चीज़ें हैं, तो अगर दुकानदार दुकान नहीं खोलेंगे तो हम लेंगे कैसे? और हम तो यहाँ ठहरेंगे 3-4 दिन, तो हम मतलब उनसे इल्तिजा करेंगे कि भाई दुकानें खोल के रखे, बंद ना करे। हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं तो टूरिज्म भी काफ़ी मतलब बढ़ जाएगा, अगर सुख सुविधाएं मिले तो अगर वो चीज़ ख्याल में रखें और हमारी सुविधा के लिए अगर गाड़ी पार्क करने दें और दुकानें खुली रखें तो फिर अच्छा रहेगा। और भी टूरिस्ट आएंगे, हम जाके बताएंगे कि भाई यहाँ ये लिया वो लिया, तो फिर लोग आना और शुरू करेंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री और बूम करेगा, है ना। तो नाज़रीन, हमने इन ताजरों से बात की, इनका क्या कहना था, इनकी क्या गुजारिश थी एडमिनिस्ट्रेशन से आपने सुन ही लिया होगा, और साथ में टूरिस्ट से भी बात की, उनकी भी क्या गुजारिश थी एडमिनिस्ट्रेशन से आपने सुन ही लिया होगा। मिलते हैं अपने अगले रिपोर्ट में, तब तक दीजिए इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन मुदस्सिर के साथ, बिस्मा यूसुफ श्रीनगर।